सर, आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, बहुत बड़ा टाइम गुजार के जा रहे हैं डीएवी में। यस मैडम, चौबीस बार 6 महीना बीत गया, लेकिन ये समय कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन समय बीतने का पता चलेगा। समय का एहसास ही नहीं होता था। अभी क्योंकि ज्यादा अभी रिसेस हुआ है तो ज्यादा शोर हो रहा है, तो हम लोग छुट्टी के टाइम में आपसे मिलते हैं सर और अच्छे से आपसे बात करेंगे। हाँ शशि मैम, सबसे पहले बोलिए कि आज हाँ सर के साथ इतना दिन काम किया और आज लास्ट इनका लास्ट वर्किंग डे है, तो सबसे क्वाइट और शांतिपूर्ण इंसान रिजल्ट मेकर। हाँ सबसे पहले एकदम क्वाइटली काम करने वाले, वेरी डिसेंट एमएससी टीचर और एकदम क्वाइट शांति, और अभी भी साइकिलिंग करते हैं कि फिटनेस। हाँ ये इनका है कि हर दिन रास्ते में दुर्गा माँ से बातचीत करते हुए आते हैं। हाँ चलिए हम फोटो आप खींच रहे हैं। चार साल के साथ 2002 में जब मैं यहाँ आया था, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ। बड़े भाई का स्नेह मुझे हर समय में मिलता रहा, जैसा प्रिया मैम ने बताया कि फिजिक्स के टीचर होते हुए भी इनका मैथ्स इनको दिया गया और इन्होंने उसको बखूबी निभाया हमेशा। कभी कोई शिकायत इनके मुँह से नहीं सुना गया। कनेक्शन वगैरह का जहाँ तक मामला होता था, कभी आज तक देखा है कि इनका कनेक्शन पेंडिंग है। ये रेगुलर कनेक्शन करते रहते थे, बैठ के जब भी रिजल्ट मिलता था, रिजल्ट जब मिला तो उसका भी सब उपयोग ही करते थे। कभी दस सौ थोड़ा कम करते थे, कुछ लोग होते थे 3-4 लोग, जिसमें सर सर है, शास्त्री जी है, सुमन है, हम लोग का कभी कभी छुट्टी बच्चे जब चले जाते थे और हम लोग जाने के समय के बीच के तरिया हम लोग बातचीत करते थे। वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम लोगों ने जब इनसे जिस तरह का कुछ और हेल्प मांगा, अगर कोई नहीं दिख रहा तो क्लास खाली जा रहा तो घर सर को बोलिए ना चले जाने के लिए। घर सर प्लीज फाइव बजे के लिए यहाँ सर कुछ बोलते नहीं तो बस उठे और वहाँ चले गए। हमेशा इनसे सभी को सहयोग मिला, जिसने भी इनसे सहयोग माना और जो इनके प्रश्न में था इन्होंने उसको किया सहयोग। मेरा इनसे एक स्नेह रहा, शुरू से ही रहा और आज तक है। रिटायरमेंट के बाद भी इनसे व्हाट्सएप के थ्रू में जुड़ा हुआ हूँ और गुड मॉर्निंग का आदान प्रदान रोज लगभग होता रहता है। थैंक यू जहाँ सर, आपने आपके प्रभावों के योगदान के लिए स्कूल में और सभी आपके आभारी हैं। यादों की लड़ी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और एकदम मैंने ड्राइंग किया था प्रियंका मैम ने, तो प्रियंका मैम को आमंत्रित करती हूँ। वो जो अपनी सादगी को अपना अंगा बना ले, वो जो
आईना बना ले फिर उसकी दुनिया के लोगों की भगवानी हो। And my learned colleagues, today we have assembled here to interview Anka sir. It is a very important day. Due to his busy schedule, we could not give him a view at the right time, but sir was also busy, and Anka sir was also busy. So I salute his dedication, integrity, sagacity, and sincerity. I have never heard that he had talked with anyone in high pitch. He is a very genuine person. His subject is physics. He is a spiritual man. So I can say physics and metaphysics both have combined in his personality traits. In the kind gentleman, his love and affection for the children will be long remembered in DAV campus. So I wish that rest of his life will be successful life. And the punchline of Raymond is Raymond a complete man. So I have no exaggeration to say that he is a complete man. All his responsibility has been completed by him. He had all sons and daughters set. Got opportunity, got employment, and he is now having grandson and granddaughter also. So all his responsibility has completed. So he is a Raymond the complete man. Thank you very much, sir. Yes, Ashwagandha, base Mata Jivan. Jivan ke vibhinn pahluon ko ujagar karte hue, Rashmi ma'am ke dwara swarachit prashasti patra. जो कि ये हमेशा ही उस व्यक्तित्व के लिए हमेशा ही खुद लिखती रही है, उसको पढ़ने के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ और इसके बाद आचार्य महोदय से देने के अनुरोध करती हूँ। आपके छोटे पुत्र प्रीति सिंह के बेटा में
इंजीनियर के रूप में स्वागत है। आपका साथी प्रिय प्रभाव आस पास के परिवेश को सकारात्मक बनाता है। आपने सेवा को लेकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर हम सभी आपके स्वस्थ संपन्न उज्ज्वल नए भविष्य की कामना करते हैं।
ईंट पत्थर से नहीं होता विद्यालय, जो भी यहाँ पर कितने लोग भी रहते हैं। और विज्ञान में भी कहा जाता है कि आप जो भी करते हैं एक फ्रिक्वेंसी में इस वातावरण में हमेशा मौजूद रहता है। एक बार कि किसी ने कोई बात कही है, कोई सेंटेंस कहा है, तो विज्ञान के अनुसार वो किसी न किसी कंपन के रूप में विद्यमान रहती है। और आजकल का विज्ञान इतना समृद्ध हो चुका है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बातें 25 साल पहले कही गई उसको वैज्ञानिक पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस माध्यम से उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ा जाए। और कई बार सफलता मिलती भी है, क्योंकि ये ऐसा है इतना आसान नहीं है। इसलिए जो भी हम काम करते हैं या जो भी बोलते हैं हमारा जो, क्योंकि ये पूरा सृष्टि ही कंपन फ्रिक्वेंसियों पर व्यस्त है और फ्रिक्वेंसी में विद्यमान रहते हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर किया है, आपसे लोग जितने प्रभावित हैं, आपकी आपसे जो एक कंपन निकला है इस विद्यालय के प्रांगण में, वो कंपन हमेशा रहेगा। आप यहाँ रहें या कहीं भी रहें, लेकिन वो कंपन यहाँ हमेशा रहेगा। इसलिए आप हमेशा ही यहाँ विद्यमान हैं, चाहे आप सेवा में नियुक्त हो चुके हैं या नहीं हो चुके। ये ट्रेन का फेज वाइज जो प्रोसेस है वही होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम वन हैज टू लीव अंडर कंपल्सन ऑफ द सर्विस रूल्स, बट व्हाटएवर समबडी हैज डन इन दिस कैंपस दैट विल रिमेन ऑलवेज अलाइव। दैट मीन्स आई कैन टेल यू that you are not away from the school, we all are with you and you are also with the school despite having this compulsion retirement after the service school. Thank you sir, thank you very much for coming, and we hope that you all will extend our good wishes for your coming future. Thank you sir. Good afternoon, respected sir, respected principal sir and my dear colleagues. I am grateful to all for completing this journey of BAP service after 4 years and 6 months. Within this time period, I have felt there are only 2 important factors in life, and these factors are time and situation. हम बोले थे दरभंगा में ट्रांसफर कर दीजिए, सर बोले नहीं अभी हम ऐसे सिचुएशन में हैं जैसे हम बुझे हो गए, तो अब हमको ना तो आंखों से चीज से दिखाई दे रहा है ना कानों से सुनाई दे रहा है, तो हम तो अब नहीं कुछ कर सकते हैं, बुझे हो गए, और हम कहीं चाह कर भी पढ़ा नहीं सकते हैं। पढ़ाइएगा तो आप ही लोग, और आपको इसी स्कूल में पढ़ाना है, आप वहीं रहिए। हमका ठीक है सर, और हम उसके बाद रह गए उस दिन से कि कैसे 22 ईयर्स बीत गया, ये हम भी सोचते लगे, हम भी अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना था, उनके उन्हों के पीछे भी लगे रहे, और घर का भी बहुत सारा काम आते जाते रहता था, पिताजी माँ पिताजी भी घर पर थे, उन लोगों को भी देखते थे, उन लोग भी समझते थे क्या इंतजार है, तो हम भी नहीं गए, हम इतना कम सैलरी में काम करते हैं या कैसे क्या करें, घर से भी उनका भी मदद नहीं मिली, ऐसे तैसे अपना समय निकालते चले गए और टाइम बीत गया, और अब टाइम भी किया तो समय के साथ सब कुछ आगे बढ़ गया, स्कूल भी बहुत आगे बढ़ गया, हमारा भी परिवार बड़ा हो गया, जैसे पोता पोती शांति भी हो गया, और सब कुछ से हम भी घर पर घर में भी लगे रहते हैं, अब उतना टाइम भी नहीं है, जब तक यहाँ पढ़े स्कूल में रहे तो स्कूल में जहाँ जो हुआ कभी वहाँ से स्टाफ से कमी नहीं थी, जैसे जिस तरह से जो सैलरी आप स्कूलों को देखते थे बोलते थे कम सैलरी की आशा तो मेरे प्रिंसिपल जी जो हमें चौहान का करता है, उस कर्ता में यही है कि जीवन में रह सभी हम रिटायर कर दें, अब इसके बाद क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है, जो रास्ता मिलेगा, एक जीवन तो बहुत विचित है, एक अवस्था ऐसा होता है कि लोगों को भविष्य का चिंता लगा रहता है आगे क्या करेंगे, फिर दूसरा अवस्था ऐसे आता है कि जिम्मेदारी निभाने में बीत जाता है, और तीसरा अवस्था में फिर आदमी इस गुनगुन में पड़ जाता है कि आगे क्या करें, यही चलते रहता है। इसी क्रम में सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है कि फिर क्या होगा उसके बाद, उनका बच्चा हुआ है वही उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि उत्सुक होकर शिष्य ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जवाब देती है कि रवि से उज्जवल सबसे सुंदर नव किसरा दल से कोमलदार प्रभु तुम्हारी घर आएगी विश्वास सबके बाद, पल भर मुख पर स्मृति रेखा खेल गई फिर माँ ने दिखा कर गंभीर मुखा के शिष्य ने
फिर पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। तब लव के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिष्य बनने को मेरे घर आएंगे। उसके बाद कर गंभीर मुखाकृत शिष्य ने फिर पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। फिर माँ ने बताया अब माँ का मन खींच चुका था, हर्ष रंग से डूब चुका था, बोली फिर मैं बुढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। यह सुनकर भरा आये रोचन किंतु बोझ कर उन्हें उसी चंद सहर कुतूहल से फिर शिष्य ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। कवि ने बालक को सुधराया सुख दुख है पल भर की माया, हर अनंत का तर्क रस्तिया फिर क्या होगा उसके बाद। उसके बाद बच्चा को कभी कभी जवाब मिल गया कि क्या होगा उसके बाद, इसका कोई अंत है ही नहीं, अनंत का प्रश्न हो जाता है। जैसे भी सर बोले हैं कि मैथिली में एक करता तो हम लोग जब हाई स्कूल में जाते थे वहाँ पर प्रार्थना ही होता था जय जय भैरव अश्विन भैरव, और मैथिली में से बहुत सारे करता है लेकिन अभी इतना नहीं हाई से आपको गवा है ही नहीं, कभी हम गाने का कोशिश भी नहीं किए, अगर कहीं का समय मिलता भी है तो मजदूर पाठ करते हैं जब जब मिलता मिल जाता है। जैसे अभी हम गा रहे हैं भगवती विद्यापति लिखे हैं या अमर कारखाना है भगवती काली का है जय जय भैरव असुर भयावर पशुपति भामी माया सहज सुमति वर देव गोसावन अनुगति गति तुम पाया वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा कतुक दैत्य मारि मुख मेलन कतुक गति कर पूरा सामर वर्ण नयन अनुरंजित जलद योग फूल को का घन 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 घुघरू कतवाज हन हन कर सुहका था विद्यापत कर सुपर सेवक पुत्र विसर्जन माता।
ही देना है। वेलकम रघुवीर सर, कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आने? मैं भी तो बना रहा हूँ।